तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य सेकेंड पेपर के बारे में। यानी कि इसके पिछली वीडियो में मैंने हिंदी फर्स्ट पेपर की बात की थी, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी सेकेंड पेपर की। जैसा कि आपको मालूम है दो पेपर होते ही हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में बात किया था, इसमें हम सेकेंड पेपर के बारे में बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी सेकेंड के देखने को मिलेंगे, यानी कि हिंदी साहित्य आप लोगों को जो नाटक से संबंधित क्वेश्चन आने, नाटक और निबंध से रिलेटेड, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखने, ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और मैंने इन्हें PDF यानी कि ऐसे फॉर्मेट में कर लिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और इसकी भी PDF भी मैंने बना ली है। वीडियो को लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निबंध के प्रमुख प्रकार कितने हैं? नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 6 7, डी नंबर 10। आई होप आपको ये जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बीए फर्स्ट सेकेंड ईयर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को मल्टीपल मिलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो करेक्ट आंसर रहेगा उसको सिलेक्ट करके आपको उसे मार्क करना होता है, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन मल्टीपल ही मिलेंगे क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर 3, ठीक है। निबंध के जो प्रमुख प्रकार हैं वो 3 होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध रचना का प्रारंभ किस युग से स्वीकारा जाता है? तो नंबर 1 है भारतेंदु युग, नंबर 2 है द्विवेदी युग, नंबर 3 है प्रसाद काल, नंबर 4 है रासो काल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होता है, जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ए नंबर, भारतेंदु युग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो भी निबंध का निर्माण किसने किया था, जन्मदाता कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो नंबर 1 है निराला, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर जयशंकर प्रसाद, डी नंबर है मोंतेन को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या, डी नंबर, मोंतेन को, ठीक है। निबंध का जन्मदाता होता है वो होता है मोंतेन, ठीक है, मोंतेन को माना जाता है। दोस्तों जो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन निबंध से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो निबंध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम का प्रकार क्या होता है और निबंध से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी निबंध से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे, बताए गए थे, मैंने सारे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध को बिखरा चित्रा चिंतन किसने कहा? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर लॉर्ड वेकन, डी नंबर महावीर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है लॉर्ड वेकन जी, ठीक है। निबंध को बिखरा चित्रा चिंतन कहा है लॉर्ड वेकन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं? नंबर 1 माधव प्रसाद, बी नंबर बाबू गुलाब राय, सी नंबर चंडी प्रसाद, डी नंबर अंबिका दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, बाबू गुलाब राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं? नंबर 1 केशवदास, बी नंबर है शिव पूजन सहाय, सी नंबर है दिनकर, डी नंबर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, वो होता है डी नंबर, ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? नंबर 1 महादेवी वर्मा, बी नंबर प्रताप नारायण मिश्र, सी नंबर जैनेन्द्र कुमार, बी डी नंबर है कुबेरनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है, राइट आंसर होता है बी नंबर, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। मैं फिलहाल आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, इसकी PDF आपको मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं क्वेश्चन आपको बताया ही दे रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन ये है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? जो अध्यापक पूर्ण सिंह है वो किस युग से संबंधित निबंधकार हैं? ठीक है, नंबर एक छायावादोत्तर, बी नंबर है छायावादी युग, सी नंबर द्विवेदी युग और डी नंबर है भारतेंदु युग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, द्विवेदी युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। युग प्रवर्तक निबंध के लेखक कौन है? नंबर एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी, सी नंबर है वियोगी हरि, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो युग प्रवर्तक निबंध के लेखक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो भाई जैसे कि एस्से, यानी कि आपको इंग्लिश में निबंध को एस्से बोला जाता है ना, तो उसमें इसमें से क्या स्पेलिंग होगी या कौन सा इसमें से वर्ड सही है? तो आपको ध्यान देना है, पहला क्या है, ई लिखा है, फिर बी लिखा है, ईवर्स ई लिखा है, आई और डी लिखा है एस्से। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, एस्से ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कन्फ्यूज रहते हैं क्या स्पेलिंग क्या होगी, तो स्पेलिंग इसकी हो जाएगी ई डबल एस ए वाई एस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? नंबर एक अपनी खबर, बी नंबर गद कुसुमावली, सी नंबर है मेरी असफलताएं, डी नंबर है मेरा जीवन प्रवाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है गद्य कुसुमावली। ठीक है, ये गद्य ऐसे भी लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, गद्य थोड़ा वो उसमें टाइप नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ये वाला गद्य लिख दिया है। ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, गद्य कुसुमावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी युग के निबंधकार कौन है? नंबर एक जगमोहन, बी नंबर प्रताप नारायण मिश्र और सी नंबर है वासुदेव शरण अग्रवाल, डी नंबर है अंबिका दत्त व्यास। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों ये सब आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आएंगे, भारतेंदु युग कब से कब माना जाता है और द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है, छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 100% आने ही वाले हैं, तो आप इन पर जरूर फोकस करिएगा। तो भारतेंदु का युग का जो समय सीमा है या कब से कब तक माना जाता है वो है, मैं फाइनली करेक्ट आंसर बता देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1873 से 1900। ठीक है, 1873 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना जाता है। ये आपको रट ही लेना है, ध्यान में रखना, माइंड में सेट कर लेना, स्क्रीन शॉट भी लिख सकते हैं और आप ये कहीं कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? देखो आने लगे क्वेश्चन ना, भारतेंदु युग तो उसके बाद द्विवेदी युग आ गया, तो द्विवेदी युग जो माना जाता है वो माना जाता है, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर, 1900 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग कब से कब तक निर्धारित है या कब से कब माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर। ठीक है, 1920 से 1940 ईस्वी तक आपका शुक्ल युग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथात्मक निबंध किस युग में अधिक लिखे गए? कथात्मक निबंध किस युग में अधिक लिखे गए? तो नंबर एक प्रसाद युग, नंबर बी भारतेंदु युग, सी नंबर द्विवेदी युग, डी नंबर शुक्ल युग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है जो कथात्मक निबंध सबसे ज़्यादा लिखे गए थे वो लिखे गए थे किसमें, भारतेंदु युग में। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निबंध प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम क्या था? ठीक है, तो भारतेंदु युग में जो निबंध थे उनका प्रचार प्रसारण के लिए कौन सा मुख्य साधन था? ठीक है, मुख्य माध्यम था या मुख्य साधन था? तो नंबर एक है लैपटॉप, बी नंबर है कंप्यूटर, सी नंबर अभिव्यक्ति और डी नंबर समाचार। आई होप आपको मालूम होगा, तब तो कंप्यूटर और लैपटॉप चलते ही नहीं थे, समाचार या अभिव्यक्ति ही होगा इनमें से कोई एक। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर, समाचार। ठीक है,
राइट आंसर समाचार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, गोपाल दास गिरधर दास ने नहुष की रचना कब की? तो नंबर एक है 1900, बी नंबर है 1880, सी नंबर है 1960, डी नंबर है 1957। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर 1957 ईस्वी में। गोपाल गिरधर दास ने नहुष की रचना 1957 ईस्वी में की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के निबंधों की मुख्य कमी। अब जो भारतेंदु युग के निबंध थे उनकी मुख्य कमी क्या है? नंबर एक है अति सरलता, बी नंबर विषयों का अभाव, सी नंबर व्याकरण दोष, और डी नंबर है हास्य व्यंग। तो उसमें जो राइट आंसर होता है इसमें वो होता है सी नंबर, व्याकरण दोष थे। ठीक है, निबंधों में जो मुख्य कमी थी वो थी व्याकरण में दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान यज्ञ किस विधा की रचना है? नंबर एक नाटक, बी नंबर है निबंध, सी नंबर है उपन्यास, डी नंबर है प्रहसन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, निबंध। ठीक है, भूदान यज्ञ जो है वो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए और मेरे चैनल से ज्वाइन रहिए। मैं शाम को मेरी वीडियोज आ जाती हैं, आप चैनल पे देखिए। आई होप आपको पूरी तरह से आइडिया और हेल्प दोनों मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।